शातिर होते जा रहे हैं। वह मोबाइल चोरी करने में इतने शातिर होते जा रहे हैं कि फोन को हैक करना उनके बाएं हाथ का खेल बन चुका है। भारत में मोबाइल फोन चोरी की वारदातें दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं। आम जनता के साथ साथ सरकार भी इससे परेशान है, क्योंकि इन्हीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके व गतिविधियों की आशंका बनाई रहती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मोबाइल की चोरी पर काबू पाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डूइट इट को सेंटर एक्सपेमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड CEIR के लिए 15 करोड़ रुपए दिए थे। इस सेवा के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाना आसान हो गया है। इस साल मई में महाराष्ट्र सरकार में इसे लागू कर दिया गया है। वेबसाइट का URL है CIR.gov। इन देशों के 21 अन्य दुष्समाचार सर्कलों में कई चरणों में दिसंबर तक इस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बेंगलुरु में वर्ष 2016 से जून 2019 तक 2.13 लाख फोन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस साल जनवरी में जुलाई तक 20,663 से ज्यादा मोबाइल चोरी हो चुके हैं। मोबाइल फोन चोरी के मामले में दिल्ली देश की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। बता दें कि बीते अगस्त दिल्ली के निगम बोध घाट पर दिव्यांगन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत 11 लोगों का मोबाइल चोरी हो गया था। जब चोर मंत्रियों के फोनों पर हाथ साफ कर देते हैं तो आम जनता का क्या होगा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।